पिटबुल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वर्सेस इंडियन मैस्टिफ डॉग ऑफ इंडिया इन हिंदी बाय द अल्टीमेट चैनल. प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल टू मेक अस अप एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर न्यू अपडेट्स गाइस. हेलो दोस्तों, द अल्टीमेट चैनल में आपका स्वागत है. हमारे की सीरीज में आज हम बात करेंगे इंडियन मैस्टिफ वर्सेस पिटबुल के बारे में. तो इंडियन मैस्टिफ वर्सेस पिटबुल के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को. हिस्ट्री एंड ओरिजिन. इंडियन मैस्टिफ का ओरिजिन नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स और पाकिस्तान के कुछ रीजन से है, लेकिन ये ज़्यादातर नॉर्थ इंडियन स्टेट में पाए जाते हैं जैसे कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश. इंडियन मैस्टिफ को कॉर्डोबा फाइटिंग डॉग का वंशज बोला जाता है. आज जो हम इंडियन मैस्टिफ की ब्रीड देखते हैं उनकी डेवलपमेंट 19वीं सेंचुरी के दौरान हुई थी. पिटबुल का ओरिजिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से है. पिटबुल को पिट्स में बुल और बियर जैसे बड़े जानवरों के साथ फाइट करने के लिए ब्रीड किया गया था. हाइट. पिटबुल की हाइट 18 से लेके 25 इंचेस तक होती है, जबकि इंडियन मैस्टिफ की हाइट 30 इंचेस से लेके 35 इंचेस तक होती है. पिटबुल मीडियम साइज की डॉग ब्रीड होती है, जबकि इंडियन मैस्टिफ लार्ज साइज की डॉग ब्रीड होती है. वेट. पिटबुल का एवरेज वेट 30 किलो तक होता है, जबकि इंडियन मैस्टिफ का एवरेज वेट 70 किलो तक होता है. इंडियन मैस्टिफ पिटबुल से ज़्यादा लार्ज, हैवी और स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन पिटबुल की बात करें तो अपने छोटे साइज के बावजूद भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, फास्ट और एथलेटिक होते हैं. प्राइस. पिटबुल का प्राइस 20,000 से लेके 30,000 तक होता है, जबकि इंडियन मैस्टिफ का प्राइस 15,000 से लेके 28,000 तक हो सकता है. लाइफ स्पैन. पिटबुल का लाइफ स्पैन 9 से लेके 13 साल तक के बीच होता है, जबकि इंडियन मैस्टिफ का लाइफ स्पैन 8 से लेके 10 साल तक के बीच ही होता है. अडैप्टेबिलिटी. पिटबुल ठंडे या गर्म किसी भी वजह से रह सकते हैं, लेकिन अगर इंडियन मैस्टिफ की बात करें तो वो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में रहते हैं और उन्हें ठंडे वेदर में रहना ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन ये डॉग थोड़े गर्म वेदर में भी आसानी से रह सकते हैं. टेम्परामेंट. पिटबुल और इंडियन मैस्टिफ दोनों बहुत ही एग्रेसिव डॉग्स होते हैं. एग्रेसिव डॉग्स की रैंकिंग में पिटबुल नंबर 1 पर है, लेकिन इंडियन मैस्टिफ को एज अ फाइटिंग डॉग यूज किया जाता है, इसलिए ये डॉग भी बहुत ही एग्रेसिव होते हैं. ट्रेनिंग एंड सोशलाइजेशन. पिटबुल और इंडियन मैस्टिफ को बचपन से ही ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है. इन्हें हर रोज़ फिजिकल एक्सरसाइज भी ज़रूर कराएं. इन दोनों ही डॉग्स को सोशलाइज करने की बहुत ज़रूरत होती है. अगर आप इन्हें अच्छी तरीके से सोशलाइज नहीं कराएंगे तो इनके आसपास आने वाले किसी भी छोटे डॉग या फिर ह्यूमन पे ये अटैक कर सकते हैं. विद फैमिली एंड किड्स. इंडियन मैस्टिफ और पिटबुल दोनों ही अपनी फैमिली के लिए हद से ज़्यादा लॉयल होते हैं. किसी भी तरह का खतरा महसूस होने पर ये अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं, लेकिन इंडियन मैस्टिफ के मुकाबले पिटबुल छोटे बच्चों के साथ ज़्यादा आसानी से रह सकते हैं. ये छोटे बच्चों के साथ बहुत ही केयरिंग होते हैं. ग्रूमिंग एंड कोट कलर. पिटबुल और इंडियन मैस्टिफ का शॉर्ट कोट होता है, इसीलिए इन्हें रेगुलर ग्रूमिंग की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इन्हें समय समय पर ज़रूर नहलाना चाहिए. पिटबुल ग्रे, ब्लैक, वाइट और टैन जैसे कई कोट कलर्स में पाया जाता है. इंडियन मैस्टिफ भी फॉन, वाइट, ब्लैक, टैन और ब्रिंडल जैसे कई कोट कलर्स में पाया जाता है. तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड इंडियन मैस्टिफ वर्सेस पिटबुल के बारे में. और डॉग वर्सेस डॉग के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें इस वीडियो पे. थैंक यू.